आदेश जब अधिसूचना इसे लेकर जारी हो चुकी थी, उस अधिसूचना का आखिर के पाठक खंडन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल विभा, ये सवाल अब बिहार के तमाम शिक्षक पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, क्योंकि 5 घंटे हो गए चिट्ठी के यानी पत्र के प्रकाश में आए हुए। और पत्र के प्रकाश में आने के बाद ना सिर्फ मीडिया में खबरें आई थी, बल्कि तमाम बिहार के जो शिक्षक हैं उनके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप पर ये पत्र आया था। उसके साथ साथ तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी वो भी एक तरह से मान लिए थे कि अब ये स्कूल का समय जो है 10 से 4 हो गया है। लेकिन अभी 5 घंटे बाद जब खबरें प्रकाश में आ गई, उसके बाद के पाठक अभी वीसी कर रहे हैं और इसमें तमाम जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके साथ इन्होंने वीसी में साफ कह दिया है कि ये कहीं ना कहीं जो पत्र है इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है, पत्र का ये खंडन करते हैं। कुछ देर के बाद ये खंडन का पत्र भी जारी करने की बात कह रहे हैं कि हम पत्र का खंडन कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि सीएम नीतीश कुमार ने 1 सप्ताह पहले ये आदेश दिया था और इसके साथ साथ घोषणा की थी विधानसभा में कि स्कूल का समय 10 से 4 हो गया है, जिसको लेकर लगातार असमंजस में टीचर थे कि 9 से 5 रहे या 10 से 4 रहे। इस बीच के पाठक कटिहार दौरे पर। रजनीश जरा ये बताइए कि आखिर जिस पत्र को सभी जगहों पर शिक्षकों तक पहुंचाया गया, उस पत्र को हम भी दिखा रहे हैं, जिस बाबत पिछले 5 घंटे से यह खबर चल भी रही है, लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे, आखिर ये पत्र फिर किसकी तरफ से जारी हुआ? बिल्कुल विभा, देखिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग में और यही पत्र जारी करते हैं हमेशा। जो भी आदेश के पाठक का होता है कन्हैया श्रीवास्तव के पत्र के माध्यम से ही जानकारी मिलती है और आज फिर से हूबहू कन्हैया श्रीवास्तव का सिग्नेचर और पत्रांक दिनांक के साथ साथ जो लेटर का फॉर्मेट है वो तमाम चीज जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का ही है। और हम अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, अधिकारी से बातचीत भी हो गई थी, यहाँ तक की शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को भी जानकारी थी कि कन्हैया श्रीवास्तव ने ही पत्र जारी किया है, जिसके बाद तमाम जगहों पर ये खबरें आई, मीडिया में आई और शिक्षकों ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन 5 घंटे बाद जब खुद के पाठक जो है वीसी करते हैं, यानी 5 घंटे लग गए शिक्षा विभाग को खंडन करने में, 5 घंटे लग गए कि ये सही है या गलत है। कुल मिलाकर सवाल उठ रहा है कि आखिर 5 घंटे बाद ये खंडन क्यों? पूरे बिहार के शिक्षक जो है कल के शेड्यूल को लेकर निश्चिंत थे कि हम 10 बजे से लेकर 4 बजे जाएंगे, यानी अब 9:45 में पहुंचना होगा और 4:15 के बाद आएंगे। लेकिन इस बीच एक खंडन का जो आदेश आता है, खंडन की जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं फिर से भ्रम है, फिर से असमंजस है। इधर सीएम नीतीश कुमार को भी जानकारी मिल गई होगी, के पाठक ने उनका आदेश का पालन किया है, उनके आदेश को फॉलो किया है, शिक्षा मंत्री को पता चल गया होगा कि उनके आदेश को फॉलो किया गया है। लेकिन आखिर अब इससे जिस टेंशन के दूर होने की बात कही जा रही थी कि भाई अब कंफ्यूजन दूर हो गया, चलिए अधिसूचना जारी हो गई, पत्र आ गया, अब निश्चिंत तो हो जाइए, फिर वो कंफ्यूजन वाली स्थिति जस की तस बनी है, तो फिर इस पर विराम लगेगा तो कैसे लगेगा और कौन लगाएगा? बिल्कुल, के पाठक को ही विराम लगाना होगा क्योंकि इन्हीं के आदेश का इंतजार हो रहा था, जिस आदेश का पत्र जारी हुआ और शिक्षकों के लिए राहत की खबर थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने वीसी किया है और अब खंडन का पत्र भी ये जारी करने वाले हैं, तो जांच का विषय है कि आखिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के सिग्नेचर और उनके आदेश की कॉपी कैसे बाहर आई, आखिर ये जो फॉर्मेट है शिक्षा विभाग का, ये फॉर्मेट बाहर कैसे आया, इसका जवाब शिक्षा विभाग को देना होगा। क्योंकि इससे पहले कोई भी पत्र कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का इस तरह से वायरल नहीं हुआ था और जो शिक्षा विभाग जारी करता था वही पत्र हूबहू सोशल मीडिया हो वहां पर चलती थी। लेकिन यानी कि सुबह 10 से 4 वाले पत्र का खंडन अब के पाठक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सुबह 9 से 5 वाली पूर्ववत स्थिति थी उसी पर शिक्षकों को आना अनिवार्य है। तो इन्होंने दरकिनार कर दिया है, वीसी में साफ कह दिया है कि पूर्ववत स्थिति रहेगी, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ही स्कूल का समय रहेगा, कोई 10 से 4 नहीं रहने वाला है। इन्होंने खंडन कर दिया और कहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आप भी अपने अपने जिले में तुरंत आदेश जारी करें, तत्काल प्रभावित होगा यह आदेश, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा विभाग एक टाइमिंग को लेकर के स्थिति को साफ नहीं कर पा रहा है और शिक्षक अधिकारी बच्चे सभी ओआपो वाली स्थिति में रहते हैं।